करना चाहिए सबको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आपका एक फंक्शन क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एफ हम लोगों ने मान लिया कि ये एक्स है, और जो जी है वो क्या है आपका, वो लॉग एक्स है। इसका मतलब जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, दो फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ये जाहिर सी बात है कि हमें इस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रखना है, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रखना है, कितना का हो जाएगा, एक्स इंटू वन नोटा बाई है एक्स दुनिया भी आ गए थे सवेरे एक्स आपका है मम्मी बस और पता नहीं और कोई गया ये एक्स कटा कितना आ गया, वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन लॉग एक्स होता, दूसरा क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन लॉग एक्स होता, फिर क्या करते हैं हम लोग, करो लॉग एक्स उधर भी कोई कर। तो क्वेश्चन नंबर टू हो गया आपका, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड है, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट अपॉन सेकेंड है, एक्स अपॉन लॉग एक्स है, तो सेकेंड फंक्शन क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और फिर लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला रखना है और इसका फॉर्मूला रखना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स इंटू वन, सिंपली लॉग एक्स हो गया, और यहाँ क्या हो गया, एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये कट जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आने वाला है, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। हम बोर्ड पे जाके किए थे क्लास में, यार से बोले थे कौन करेगा लड़कों में से, लड़कियों में से बोला है, तो लड़की मुझे तो सर वही वही अंजना, वही है सब टेस्ट करके अंजना जो, तो देखिए यहाँ पे y दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस क्या है आपका, कॉस एक्स है। आप डी बाई डी एक्स दोनों तरफ कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दूसरा क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर है, तो डिविजन रूल लगेगा, तो डिविजन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, और माइनस का क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए लिखा तो बड़ा है ना, लेकिन आप सिंप्लीफाई बड़े आराम से कर लेंगे, तो ये तो यही रहेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन और एक माइनस पहले से है तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा होल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो ये क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, अगर हम यहां से माइनस कॉमन कर ले तो ये भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब ये ए माइनस बी तो ये भी ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस, हम यहां का माइनस और ये वाला माइनस हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी टू साइन एक्स और कॉस एक्स। अब ये सोचिए ये तो हमने इसका करा है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये माइनस कॉमन हो चुका है क्योंकि यहां आ गया है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे प्लस कहेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये देखिए ए प्लस बी ये भी ए प्लस बी तो ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा जो भी डिनोमिनेटर कॉपी करना है सिर्फ तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखिए यहां पे जो यहां देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई होकर उसे माइनस वन कर देगा, ठीक है, खैर उसे बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहां भी वन हो जाएगा तो वन प्लस वन क्या हो गया टू हो गया, लेकिन ये माइनस का टू साइन एक्स कॉस एक्स है और ये क्या है प्लस का टू साइन एक्स कॉस एक्स है, तो न्यूमरेटर तो कॉन्स्टेंट आ गया, न्यूमरेटर क्या हो गया टू हो गया, तो हम न्यूमरेटर को लिख देंगे यहाँ पे दैट इज, अब बाहर माइनस पड़ा हुआ था तो माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया डीवाई बाई डी एक्स हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं निकालना था डीवाई बाई डी एक्स जो भी है एट x इक्वल टू जीरो निकालना था, तब आखिरी काम बचा है कि x की वैल्यू क्या प्लेस कर दी जाए जीरो, अब x की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा और साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो ये माइनस वन, इसका तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आने वाली है माइनस वन आने वाली है, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए वो प्लस वन हो जाएगा, इसका मतलब जो डीवाई बाई डी एक्स कहां है एट x इक्वल टू जीरो क्या आ रहा है माइनस टू आएगा, तो आंसर कौन सा टिक करेंगे हम लोग ए पार्ट इज करेक्ट माइनस का टू। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें निकालना है, तो जाहिर सी बात है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की ये डेफिनेशन होती है, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच का मतलब जहां एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच रख देना है और कोई भी चेंज आपको नहीं करना है ना, तो पहले आप आराम से लिखिए है ना, कोई घबराना नहीं है इसमें, टू एक्स और प्लस एच और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका एच है, ठीक। अब देखिए ये सबसे पहली नजर में इरेशनल लिमिट है, इरेशनल लिमिट का मतलब कि सबसे पहले आप रेशनलाइज करोगे, अच्छा उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कैलकुलेटिव नहीं है, एच जो ही जीरो डालेंगे ये न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो तो हो ही रहा है, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है मतलब इनडिटर्मिनेंट है, तो हम लोग क्या कर लेंगे रेशनलाइज कर लेंगे,
रेशनलाइज करने का मतलब किसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर ये रूट रूट ए माइनस रूट बी है तो रूट ए प्लस रूट बी से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। ये आपको बस स्टेप्स फॉलो करते चले जाने हैं। तो एच अप्रोचिंग टू जीरो क्या हो जाएगा, रूट साइन ऑफ क्या लिख दें हम लोग, टू एक्स प्लस टू एच और माइनस का रूट ऑफ साइन टू एक्स हो गया, और हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसी के कॉन्जुगेट से, मतलब रूट ऑफ साइन टू एक्स प्लस टू एच और प्लस क्या हो जाएगा, रूट साइन टू एक्स अपॉन क्या होने वाला है, दैट कम्स आउट टू बी एच और फिर वही आएगा रूट ऑफ साइन टू एक्स प्लस टू एच और प्लस क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ साइन टू एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है, ये रूट ए माइनस बी रूट बी हो गया और रूट ए प्लस रूट बी हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर, मतलब बस स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो स्क्वायर रूट हटते ही ये क्या दिखेगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन टू एक्स प्लस टू एच माइनस साइन टू एक्स अपॉन एच हो जाएगा। अब देखिए ये अगर ध्यान से देखिए तो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसीलिए वो ये वाला कैलकुलेटिव लिमिट है, अगर यहाँ एच जीरो डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसीलिए वो पार्ट हम अलग करके एच जीरो डाल देंगे। तो यहां लिख देंगे इनटू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन रूट, अच्छा एच जीरो डाल देंगे अगर तो ये भी रूट साइन टू एक्स हो जाएगा और ये भी रूट साइन टू एक्स, तो हम कहेंगे टू टाइम्स क्या हो जाएगा, एच जीरो डाल दिया, मान लीजिए आप लिख लीजिएगा तो ये आ क्या जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी वन बाई टू रूट साइन टू एक्स टू एक्स। ठीक है, अब आपको सिर्फ मेहनत कहां करना है, इस वाले ब्रैकेट पे मेहनत करना है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी। अब देखिए साइन सी माइनस डी साइन डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, एक बार एंगल का सम और दूसरी बार एंगल का डिफरेंस, इसका मतलब हम लोग लिख लेंगे दैट इज लिमिट, बस थोड़ा बड़ा है लेकिन आप पेशेंस बनाए रखें तो बड़े आराम से आएगा, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, इन दोनों को अगर एड करेंगे तो टू एक्स और टू एक्स फोर एक्स हो जाएगा और प्लस टू एच अपॉन टू, उसके बाद इनका डिफरेंस तो 2x कट जाएगा अपॉन 2 मतलब 2h अपॉन 2 मतलब h आएगा, तो क्या आ गया ये साइन h आ गया अपॉन h है। अब हमें पता है कि ये वाला पार्ट कैलकुलेटिव है, तो हम इधर देखें साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर्म है ना, ये 1 होने वाला स्टैंडर्ड लिमिट है हमारी, तो हम लिमिट को वहां पे जो इनडिटर्मिनेंसी है वो उसी की वजह से आ रही है, तो हम लोग वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मींस लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो क्या हो जाएगा, टू कॉस, देखिए टू कॉमन करके काट दीजिए तो क्या बचेगा, टू एक्स प्लस एच और इनटू ये जो पार्ट है जो हमारा स्टैंडर्ड पार्ट है एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच, ये अलग कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा वन और यहाँ h डायरेक्ट जीरो रख देंगे। ठीक है, और ये पार्ट आपका तो पहले से कैलकुलेट हो चुका है तो उसको भी लिख ही दीजिए, कितना हो जाएगा टू रूट साइन टू एक्स। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वन आ गया और फिर वो तो हम कॉपी करेंगे ही टू रूट साइन टू एक्स, और ये देखिए h अगर जीरो डालेंगे तो ये भी कैलकुलेटिव है, टू कॉस टू एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स टू कॉस 2x आ गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया 2 cos 2x, लेकिन ये 2 2 कैंसिल हो रहा है तो फाइनली क्या आ गया, दैट इज cos 2x अपॉन रूट ऑफ sin 2x, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ये देखें दो चीज कि ये 1 + 2 + 3 + .. n ये क्या है, ये सिग्मा n है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग जानते हैं सिग्मा n जो होता है वो n n प्लस वन अपॉन क्या होता है 2 होता है, होल अपॉन क्या है n स्क्वायर है, और n कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे हम लोग आ गए है ना। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, कॉपी किया आपने, न्यूमरेटर आपने लिख दिया, वो क्या होता है n n प्लस वन, एक n क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, लेकिन एक n बच गया। अच्छा ये 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये लिमिट से क्या हो जाएगी बाहर चली जाएगी, तो 1/2 लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका n प्लस वन अपॉन n आ गया। अगर इस स्टेज पे देखा जाए तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी जा रहा है और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ये क्या है इनडिटर्मिनेंट है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग मॉडिफाई कर लें, क्या कर दें हम लोग अलग अलग n कर दें, तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और ये लिख लेते हैं 1 n/n 1 हो जाएगा और प्लस 1/ क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास 1/n है तो जो ग्राफ होता है ठीक है y वर्सेस x किसका, अगर y इक्वल्स टू 1/x की पावर n है और n 1 2 3 4 कुछ भी हो, इस क्वाड्रेंट में ग्राफ हमेशा इस तरह से रहता है ना। इसका मतलब कि ग्राफ y x एक्सिस को टच करने की कोशिश करता है लेकिन टच नहीं कर पाता है, इसे एसिम्प्टोटिक बिहेवियर कहते हैं। लेकिन इसकी जैसे जैसे x आप बढ़ाते जाएंगे वैल्यू क्या हो गई नियरली जीरो हो गई है ना, वैल्यू क्या होती चली गई है जीरो। इसका तो y की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है या 1/x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है जीरो को। इसका मतलब आप ये कहोगे कि अगर x इन्फिनिटी को जाता है इन्फिनिटी को, तो जो 1/x है ये किसको अप्रोच करेगा जीरो को। अगर यहाँ पे x नहीं होके x स्क्वायर होता तब भी वो क्या होता जीरो को जाता, x क्यूब होता तब भी क्या होता वो जीरो को जाता। तो ये ध्यान रहे कि यहां x की कोई भी पावर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, वो हमेशा किसको जाएगा जीरो को। अब देखिए ग्राफ के टर्म में बैरी कैसे करता है, अगर हम कहें 1/x की पावर n है और n अगर ऑड है तो इसकी एक ब्रांच यहां पे होगी, n अगर ऑड है तो, ये बात समझ में आ गया। और अगर n इवन है तो ये ब्रांच यहां ना होके फंक्शन इवन हो जाएगा, वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगी है ना, ये y एक्सिस मिरर इमेज हो जाएगा, बस इतना सा फर्क आता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ का नेचर नहीं बदला, बदला तो कहां बदला, अगर ये n ऑड होगा तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल हो जाएगा ग्राफ, अगर n इवन हुआ तो ये क्या हो जाएगा y एक्सिस मिरर लाइन हो जाएगी, जैसा इधर है वैसा उधर हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे ये वाला बिहेवियर नहीं बदलने वाला है, n चाहे ऑड हो चाहे n इवन हो, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/x की पावर n हमेशा कहां जाएगा जीरो को जाएगा। तो देखिए यह n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/n क्या हो जाएगा जीरो को चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है, जो लिमिट की वैल्यू है इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 0 और ये 1/2 है, तो आंसर क्या हो गया पूरा 1/2 हो गया। ये बात समझ में आ गया। फिर आप ट्राई करिए इस वाले क्वेश्चन को, ये सिग्मा n स्क्वायर है, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे n n प्लस 1 और 2n + 1/6 होता है। चलिए ये अब लिखिए, न्यूमरेटर आ गया, आप लोग खुद मॉडिफाई करिए,